एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इश्रत की जिंदगी में आप लोग का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन भुना मसाला, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत जल्दी बनता है और सबको बहुत पसंद आता है। ये रेसिपी आप पुलाव के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं। तो चलिए इसे देख लेते हैं कि मैं कैसे बनाती हूँ। लेकिन वीडियो देखने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रेसिपी कैसे बनती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है, तो लेट्स बिगिन। चिकन भुना मसाला बनाने के लिए हमने लिया है चिकन, और चिकन में हमने कट लगा लिया है, और उसमें हम डाल देंगे नमक और हल्दी पाउडर, और उसमें हम डाल देंगे नींबू का रस, और अब हम इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है इसमें कि हल्दी और नमक और जो नींबू का रस है वो अच्छे से वो चिकन में मिल जाए। इस तरीके से हमें मिलाना है, देखिए अंदर तक, ये देखिए इस तरीके से मिलाना है, और इसे हम रेस्ट में आधा घंटा के लिए रख देंगे। तो आधा घंटा हो चुका है, और हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, और उसमें हम चिकन के पीसेस को फ्राई कर लेंगे। और आप चाहे तो यहाँ पे सरसों तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर रिफाइंड तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें हम चिकन के पीसेस डाल के फ्राई कर लेंगे। इससे चिकन में स्मेल नहीं आएगी फ्राई करने से। तो चिकन जो है वो एक साइड से जो है वो फ्राई हो चुकी है, तो हम इसे पलट देंगे, और हम इसे दूसरे साइड से भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करते वक्त हमें फ्लेम का ध्यान रखना होगा, फ्लेम जो है हम मीडियम रखेंगे, हाई पे फ्राई नहीं करेंगे। तो ये देखिए चिकन जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो गई है दोनों साइड से, और अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए चिकन जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई हुई है। तो चिकन जो है वो फ्राई हो चुकी है। चलिए अब हम बना लेते हैं ग्रेवी, और ग्रेवी के लिए मैंने लिया है यहाँ सरसों का तेल, और उसमें हम डालेंगे तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी और लौंग। इसे हम कुछ देर तक थोड़ी देर फ्राई करेंगे, और अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज हम इस तरीके से डालेंगे काट के, इससे जो है वो ग्रेवी अच्छी बनेगी, और चिकन जो है वो बहुत टेस्टी भी लगेगी। और अब हम इसमें एक डालेंगे एक पेस्ट, ये है प्याज और हरी मिर्च और काली मिर्च जिसे हमने पीस लिया है, और इसे हम डाल देंगे। ये देखिए इससे जो है चिकन भुना मसाला बहुत ही अच्छा टेस्ट मिलेगा, और स्पाइसी भी मिलेगा उसे। और इसमें हमने डाला है लहसुन अदरक का भी पेस्ट। इसे डाल के हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इसे कुछ देर तक भून लेंगे हम। चिकन भुना मसाला है तो इसे भूनना तो है ही हमें अच्छे तरीके से। ये देखिए, और अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा गोलकी का पाउडर। इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। लाल मिर्च पाउडर हम डाल देंगे, और इसे हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे, और इसे हमें भूनना है मसाले को। देखिए इस तरीके से, तो मसाले में से थोड़ी तेल जो है बाहर आ चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक हम लास्ट में डालेंगे, इससे इसका स्वाद और भी ज़्यादा उभर कर आएगा। और इसे हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे, और इसे हमें भूनना है। ये देखिए तो इसमें जो है तेल जो है ऊपर आ गई है, और इसमें हम डालेंगे चिकन के पीसेस जो हमने फ्राई करके रख लिया था। तो सारे चिकन के पीसेस हम डाल देंगे इसमें। तो सारे चिकन के पीसेस को हमने मसाले के साथ मिला लिया है,
और हम इसे इस तरीके से मिलाएंगे ताकि मसाले का जो फ्लेवर है वो चिकन में अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। और इसे हम मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। ये देखिए अच्छे तरीके से मिला लेना है हमें। ये देखिए चिकन को मसाले में भूनते वक्त अगर ग्रेवी जो है वो ज़्यादा सूख जाएगी तो हम उसमें हल्का हल्का पानी डाल के भी भूनेंगे ताकि वो कढ़ाई में चिपके ना। तो ये देखिए जो मसाले थी वो थोड़ी सूख गई थी तो मैंने उसमें पानी डाला है और इसे हम अब भूनेंगे। तो ये देखिए मीडियम फ्लेम पे ही हमें भूनना है इसे। ये देखिए चिकन भुना मसाला जो है वो खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, लेकिन इसे बनाते वक्त हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा इसे भूनने के टाइम। चिकन भुना मसाला, नाम ही है चिकन भुना मसाला, तो हमें इसे अच्छे तरीके से भूनना होगा और थोड़ा संयम भी हमें रखना होगा। जितना आप इसे भूनेंगे ये उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। ये देखिए हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही भून रहे हैं और अब हम इसमें डालेंगे एक और चीज़ जो चिकन भुना मसाला को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाएगा और इसके जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगी। हमने इसमें डाला है दही। दही से ये और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। दही को डालते समय हमें फ्लेम जो है वो लो रखना है वरना दही जो है वो फट सकती है, तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और फ्लेम को हम कम कर देंगे और उसमें हमें इसे भूनना है। और अब हम इसमें डाल देंगे पानी, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे और इसे हम थोड़ी भूनेंगे। तो ये देखिए जो चिकन भुना मसाला है वो कितने अच्छे तरीके से भून रही है, ये देखिए। और मसाले जो है वो सूख गई है और हम इसमें थोड़ी और पानी डालेंगे और इसे हम भूनेंगे थोड़ी देर तक। तो हमने इसमें पानी डाल दिया है और इसे हम करीबन 10 मिनट तक पका लेंगे ताकि जो चिकन जो है वो अंदर से अच्छे तरीके से गल जाए। 10 मिनट हो चुकी है और चिकन जो है वो अंदर से अच्छे तरीके से गल गई है और चिकन भुना मसाला बनकर भी तैयार है, लेकिन चिकन भुना मसाले में थोड़ी पानी है तो हम पानी को थोड़ी सुखा लेंगे। तो इसे हमें फ्लेम को बढ़ा लेना है और इसे हमें सुखा लेनी है इसके पानी। ये देखिए चिकन भुना मसाला बनकर तैयार है। चिकन भुना मसाला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और चिकन भुना मसाला बनाते वक्त हमें इसे अच्छे तरीके से भूनना है और दही को डालते वक्त हमें फ्लेम का ध्यान रखना है। तो चिकन भुना मसाला बहुत टेस्टी होता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए ये रेसिपी आप बनाइए और अपना अनुभव शेयर करिए हमसे। और चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।